जैसे ही इसराइल ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्ला को सबक सिखाकर रहेगा, इसके तुरंत बाद ईरान ने खुले मंच से कह दिया था कि लेबनान या हिजबुल्ला के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ना इसराइल के लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। चूंकि इसराइल लगातार उत्तरी बॉर्डर पर अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है, इसके अलावा इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने अमेरिकी दौरे में ये बात साफ कह दी थी कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो इसराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। गैलेंट का इशारा सीधे हिजबुल्ला की तरफ ही था। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की उत्तरी कमांड के मुखिया पहले ही हिजबुल्ला के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को मंजूरी दे चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना किसी भी वक्त लेबनान पर चढ़ाई कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस डिवीजन के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे ने साफ तौर पर कहा है कि आप क्षेत्रीय और वैश्विक इतिहास की दिशा बदल देंगे, इस बात पर आश्वस्त रहें। हाजी जादे के इस बयान का इशारा सीधे तौर पर इसराइल की तरफ था। जी हां, इससे पहले 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर करीब 300 से ज्यादा रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी थी और इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया था। लेकिन मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान इसराइल के खिलाफ कभी भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2.0 छेड़ सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि अब ईरान की सेना खुलकर इस बात पर सामने आ चुकी है और हाजी जादे का बयान उसी की एक शुरुआत भर है। हाजी जादे का कहना है कि ईरान फिलिस्तीनियों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के कमांडर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ईरान गाजा से अपना समर्थन वापस नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि गाजा में इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसका भावनात्मक प्रभाव ईरान के भीतर पड़ रहा है। ईरानी कमांडर ने इस बात को फिर से दोहराया कि ईरान का फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन कभी खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि गाजा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और कई परिवार इससे प्रभावित हैं। इसराइल गाजा में नरसंहार का युद्ध कर रहा है। आपको बता दें कि ईरानी कमांडर ने गाजा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात में ये सारी बातें कही हैं और उनके इस बयान से एक बात तो साफ है कि ईरान न सिर्फ फिलिस्तीनियों को भरोसा दिला रहा है, बल्कि वो इसराइल को ये बात भी बता रहा है कि गाजा में अब बहुत हो चुका और अगर इसराइल ने जल्द ही युद्ध नहीं रोका तो इसे इसका नतीजा हर हालत में भुगतना पड़ेगा। ईरानी कमांडर का कहना है कि ईरान को फिलिस्तीनी प्रतिरोध की जीत में विश्वास है। फिलिस्तीन का समर्थन करना ईरान की विदेश नीति में निहित है, जिसका धार्मिक रूप से फिलिस्तीन के साथ अटूट रिश्ता है और यही वजह है कि अब ईरान की सेना गाजा को लेकर एक तगड़ा स्टैंड लेने के लिए खुलकर सामने आ गई है। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ईरान ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के जवाब में इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया था और अब ऐसा लगता है कि इस हमले का पार्ट 2 भी जल्द ही सामने आ सकता है, जो बेहद ही भयानक हो सकता है।